अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर गुड। माय नेम इज़ रायनूर एंड आई एम लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। इस लेक्चर में मैंने आपके साथ जो वीडियो बना रहा हूँ, जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है एज क्वेश्चंस का। एज क्वेश्चंस बेसिकली क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का टॉपिक है और पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं, ये स्पेशली जिसमें ई कैट है, नस का टेस्ट है, जी की है और प्यास का टेस्ट है, तो और इसके अलावा फास्ट कंप्यूटर साइंस जितने टेस्ट हैं, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, उसमें एज क्वेश्चंस का टॉपिक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और ई कैट के पेपर में भी हर साल तकरीबन एक क्वेश्चन तो लाजमी आता है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन जो एज क्वेश्चन से लाजमी जो है वो पूछ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो आइए जी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 90 ईयर्स, यानी कि तीनों जो ए बी सी हैं पर्सन, उनकी एजेस का सम जो है ना वो 90 है। ओके, 90 ईयर्स है। सिक्स ईयर्स एगो देर एजेस वर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। देखिए बेटा, अब 6 साल पहले उनकी एजेस जो हैं, ए की एज भी 6 साल कम होगी, बी की एज भी 6 साल कम होगी, सी की एज भी 6 साल कम होगी, तो इस तरह से उनकी जो नई रेशियो बनेगी, मतलब कि जो रेशियो बन रही है 1:2:3, वो इस तरह से बनेगी कि ए माइनस सिक्स, बी माइनस सिक्स एंड सी माइनस सिक्स इज इक्वल टू 1:2:3। अब ज़रा आप गौर करें, 6 साल पहले अगर अभी उनकी एजेस का सम 90 है, तो 6 साल पहले उनकी एजेस का सम क्या होगा? अब गौर से बताएं, क्या 90 ही होगा? सोच के बताएं, ठीक है, सोच के और गौर करके बताएं, ऐसे समझ लें आप। तो क्या उनका 6 साल पहले एजेस का सम 90 ही होगा? ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हर पर्सन की एज में 6 साल जो है वो कमी हो रही है। तो हर पर्सन की एज में 6 साल कम करें तो 6+6+6 तो 18 ईयर्स जो हैं वो कम होगी, 6 साल पहले की बात करें अगर, तो इनका जो अब एजेस का सम, सॉरी 6 साल पहले जो एजेस का सम है वो बन जाएगा 72। ओके, 72 ईयर्स। अब उसने बोला है कि सी की जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड करें, तो अब सी की प्रेजेंट एज के लिए हम रेशो का फार्मूला ही लगाएंगे, सी माइनस सिक्स इज इक्वल टू, इसका रेशो पार्ट क्या है, 3 ओवर, इन तीनों को ऐड करें तो 1+2+3 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल, 6 साल पहले जो तीनों की एजेस का जो सम है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है और वो है 72। ठीक है बेटा, इसको आप सॉल्व कर लें, तो सी माइनस सिक्स इनकी कटिंग कर दें तो 1/2 और 36 आ जाएगा, तो C इज़ इक्वल टू 36+6 जो है 42 इसका आंसर बनेगा, तो C की जो प्रेजेंट एज है वो 42 बनेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं सारे क्वेश्चन को, समझ आ रही है? चलें जी, तो अब आ जाएं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स ए एंड बी इज 3:2। ए और बी में जो रेशियो है वो 3:2 है। आपको पता है कि जो रेशियो होती है ना बिटवीन टू नंबर या थ्री नंबर्स, वो हमेशा सिंप्लीफाई फॉर्म में होती है, यानी कि जैसे अब 3:2 है तो एक्चुअल ये 15:10 भी हो सकती है, ठीक है, या आप कह लें कि 18:12 भी हो सकती है, लेकिन रेशो में हमेशा हम उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, कटिंग करने के बाद हम रेशो को लिखते हैं। अब देखें आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउएवर इफ़ द एज ऑफ ए इज़ डिक्रीज्ड बाय 10। अब मैं कह लेता हूं कि जो एक्स है ना वो इनकी एजेस का मल्टीपल है, जैसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जब इनको सिंप्लीफाई करूँगा तो वही आंसर आ जाएगा। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30:20, तो कटिंग करें फिर 10 पे तो 3:2, तो वो जो मल्टीपल्स है ना वो मैं कह लेता हूँ कि वो x है। तो इस तरह से
जो ए की एज बनेगी वो बन जाएगी 3x और जो बी की एज है वो बन जाएगी 2x। ठीक है, समझ रहे हैं बात, आगे चलते हैं। हाउएवर इफ़ द एज ऑफ ए इज़ डिक्रीज्ड बाय 10, ए की जो एज है 3x वो डिक्रीज्ड बाय 10 है, एंड दैट ऑफ बी इज़ इंक्रीज्ड बाय 10 और जो बी की एज है वो 2x प्लस 10, इंक्रीज्ड बाय मीन्स ऐड करना है, डिक्रीज्ड बाय मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, ओके, देन द ओरिजिनल रेशियो इज़ रिवर्स्ड। अब ओरिजिनल रेशियो जो है वो 3:2 है ना, 3:2 है, तो ये जो ओरिजिनल रेशियो है फिर रिवर्स हो जाती है, यानी कि ये बन जाएगा 2:3, ओके। अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड करें और ए की ये जो प्रेजेंट एज है, एज ऑफ एज, प्रेजेंट एज की फाइंड करनी है आपने, एक्स फाइंड करके यहाँ पे आप पुट कर दें, इसको सॉल्व करें, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 9x माइनस 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस 20। ठीक है, अब इसमें से 4x को आप इधर लाएं तो 9x माइनस 4x और 20 प्लस 30 ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10। अब a की एज फाइंड करनी है आपने, तो a इज इक्वल टू क्या है 3x, तो 3 इंटू 10, तो a की एज क्या मिल जाएगी हमें, 30 ईयर मिल जाएगी, जो कि चार्ली ऑप्शन है। अगर वो b की एज पूछता है तो यहाँ पर 10 इंटू 2 आप 20 ईयर बता सकते हैं, तो मेथड उम्मीद है कि आपको आसान लग रहा होगा, सही है, बिल्कुल इजी वे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए, ओके, और कर लेंगे आप इंशाल्लाह ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है जी, दोबारा देख लें कि द रेशो ऑफ द एजिस ऑफ टू फ्रेंड्स ए एंड बी इज 3:2 है, वो मैंने लिख दिया। हाउ एवर इफ़ द एज ऑफ ए इज़ डिक्रीज बाय 10 तो एंड दैट ऑफ बी इज़ इंक्रीज्ड बाय 10, तो वो जो मल्टीपल्स है, जैसे मैं इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, 4 से भी कर सकता हूँ, 5 से भी कर सकता हूँ, 10 से भी कर सकता हूँ, तो जो मल्टीपल्स है ना वो मैं एक्स कह देता हूँ कि एक्स जो है वो अननोन है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ए की जो है एज वो बन जाएगी 3x और बी की जो एज है वो बन जाएगी 2x। फिर उसके बाद देखें आप, तो आगे उन्होंने बोला है कि हाउ एवर द एज ऑफ एज डिक्रीज बाय 10 3x माइनस 10 हो जाएगी और बी की एज इंक्रीज बाय 10 2x प्लस 10 हो जाएगी, देन द ओरिजिनल रेशियो इज़ रिवर्स्ड। ओरिजिनल रेशियो 3:2 थी और वो अब रिवर्स हो जाएगी 2:3, इसको सॉल्व कर लिया मैंने। ठीक है जी, तो यहाँ से आप सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो x आ जाएगा 10, तो a की एज जो है वो 3x है, तो उसमें x की वैल्यू पुट करें 30 आ जाएगी। दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए। अब इस क्वेश्चन पर आएँ, 20 ईयर्स एगो माई एज वॉज एक्स, माई एज वॉज 1:3 ऑफ वट इट इज़ नाउ, ओके। अगर अभी एज, प्रेजेंट एज मैंने आपको बोला है कि आपने एक्स सेलेक्ट करनी है, तो प्रेजेंट एज मैं कह लेता हूँ एक्स है, और 20 ईयर्स एगो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 20। 20 ईयर्स एगो माई एज वॉज 1:3 ऑफ वट इट इज़ नाउ, 1/3 ऑफ एक्स, ऐसे बनेगी ना इक्वेशन, ओके। 20 साल पहले माई एज वॉज 1/3 ऑफ वट इट इज़ नाउ, एक्स माइनस 20 20 साल पहले इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ वट इट इज़ नाउ, 1/3 ऑफ एक्स। यहाँ से आप एक्स फाइंड कर लें, प्रेजेंट एज हमने फाइंड करनी है, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करें तो 3x माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इधर आके माइनस करें, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 और ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 32, उधर जाके डिवाइड होगा तो प्रेजेंट एज जो है वो मिलेगी हमें 30 मिलेगी, यानी कि इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। इससे रिलेटेड एज क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन आपको कहीं से अगर मिलते हैं, यानी कि किसी भी बुक से, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, इसका सलूशन भी मिल जाता होता है अक्सर, तो उसको आप प्रैक्टिस करें। मेन कॉन्सेप्ट जो है ना एज क्वेश्चंस के यही हैं,
मेन इसकी जो लॉजिक्स वगैरह हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो यही हैं, एक्सप्लेनेशन इसकी यही है। तो वीडियो अच्छे से देखें, इसमें कोई प्रॉब्लम लगे, कुछ सजेशन देना चाहें, लाजमी शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ये वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें इसको, और दुआ में भी याद रखें भाई। अपना बहुत ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।